नमस्कार, मैं हूं प्रथम और आप देख रहे हैं लुक मीडिया। चलिए आज आपको एक ऐसे बयान के बारे में बताते हैं जिसे सुनकर शायद आपके चेहरे पर थोड़ी सी हंसी भी आ सकती है। तो जानते हैं कि आखिर पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत ने ऐसा क्या कह दिया कि सोशल मीडिया पर उन्हें ट्रोल करने वालों की भरमार लग गई। वास्तविक पक्ष है कि वो वायरस भी एक प्राणी है, हम भी एक प्राणी हैं। हम अपने आप को ज्यादा बुद्धिमान समझते हैं, हम समझते हैं कि हम ही सबसे ज्यादा बुद्धिमान है, लेकिन वो प्राणी भी जीना चाहता है और उसको भी जीने का अधिकार है। हम उसके पीछे लगे हुए हैं, वो अपने बचने के लिए अपना रूप बदल रहा है, वो बहुरूपिया हो गया, ठीक है ना। असल में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत पहले भी कई बार अपने अटपटे बयानों के चक्कर में सोशल मीडिया पर खूब ट्रोल हुए हैं, और इस बार तो समझिए बेड़ा ही गर्क। हुआ ये कि उन्होंने एक वीडियो में कहा कि कोरोना एक जीवित जीव है, बाकी लोगों की तरह इसे भी जीने का हक है, लेकिन वो क्या है कि हम तो मनुष्य हैं ना, हम अपने आप को ज्यादा ही बुद्धिमान समझते हैं और इसे खत्म करने में लगे हुए हैं। यही तो कारण है कि कोरोना खुद को लगातार बढ़ा रहा है। अब इस बयान का वीडियो हो गया वायरल, वायरल हुआ वीडियो तो ट्रोलिंग भी हो गई शुरू। लोगों ने इस बयान पर अपनी ही टिप्पणी, अपनी ही कहानी बनाना शुरू कर दिया। अब इस मौके पर कांग्रेस के नेता भी खुद को कैसे रोक लेते। कई ने तो ये तक कह दिया कि मुख्यमंत्री जी, जब आपने कोरोना को जीव बता ही दिया है तो भैया फिर इसका आधार कार्ड और राशन कार्ड भी बनवा दीजिए ना। अब इन चर्चाओं की महफिल तो कायम है और मुख्यमंत्री जी की ट्रोलिंग भी। फिलहाल तो जनता से यही कहना चाहूंगा कि ऐसे बयानों से आप बचाव करें और ताजा खबरों के लिए देखते रहें लुक मीडिया। एक मिनट हमारे साथ।